Hello students, how are you all? Today the topic is osmoregulation. This lecture is for those students who haven't attended the lecture today because they are hostelites and they are unable to attend the classes. So this lecture is for those students. आपके मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा याद हो होम्योस्टेसिस में मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस इज द मैकेनिज्म इन विच द बॉडी इज मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर फ्लूइड बैलेंस एंड कीपिंग द बॉडी अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि होम्योस्टेसिस जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं वो अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं और इसके लिए वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉडी का एनवायरनमेंट है अगर नॉर्मल से डेविएट करेगा तो कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो उसको सेंस कर लेने के बाद रिस्पांस देंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बॉडी का जो नॉर्मल बैलेंस है, चाहे वो पीएच बैलेंस है, चाहे वो टेम्परेचर का बैलेंस है, या चाहे वो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी टू कीप द कंडीशंस अंडर नॉर्मल, हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये कंडीशंस जो हैं इनको फुलफिल करना चाहिए। ऑस्मोरेगुलेशन जो है हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का कि जिसमें आपके पास बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है। हमने होम्योस्टेसिस के थ्री एस्पेक्ट्स पढ़े जिसमें से एक था रिसेप्टर सेंसर और एक था थर्मोस्टेट या थर्मोरेगुलेटर या हम कहते थे कि इंटीग्रेटर। तो हमने कहा कि हमारे पास ये जो होम्योस्टेसिस है इसकी जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर बॉडी नॉर्मल से डेविएट करेगी तो रिसेप्टर्स उसको सेंस करेंगे, इंटीग्रेटर जो है डेटा को कलेक्ट करके और पहले वाले पुराने डेटा से मिक्स मैच करेगा। अगर डेविएशन हुई है, फॉर एग्जांपल पीएच में कोई डेविएशन हुई है, टेम्परेचर में कोई डेविएशन हुई है, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट? और मसल और ग्लैंड जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। इस तरह से अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन को देखें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेटरी या ऑस्मोरेगुलेटर कहलाते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। अब ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मो का टर्म जो है वो वाटर एंड सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को कहा जाता है। इंडिविजुअल के सेल के अंदर एक प्रॉपर स्पेसिफिक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है जिसका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारा सेल जो है वो बहुत ज्यादा वाटर इनटेक करके स्वेलन हो जाए या बहुत ज्यादा वाटर आउटटेक भेज कर श्रिंक हो जाए, ठीक है? वी वॉन्ट कि हमारे सेल्स जो हैं वो आइसोटोनिक रहें। अब आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट इमेज में समझ आएगा, ठीक है? कि आपके पास जब ऑर्गेनिज्म जो है वो हाइपोटोनिक है तो उसकी बॉडी कंडीशंस क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसी है। अगर वो हाइपरटोनिक है तो आउटसाइड कंडीशन कैसी है और इनसाइड द बॉडी कैसी है, और सिमिलरली आइसोटोनिक क्या चीज है। यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, वाटर इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, वाटर हैज नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। हम कहते हैं कि विदाउट वाटर जो है वो लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, और वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए भी जरूरी है। तो इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा जो है वो 90% वाटर है, राइट? तो अगर ये वाटर नहीं होगा तो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं होंगे, अगर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होंगे तो बॉडी फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी, ठीक है? अब अगर हम इंपॉर्टेंस देखें सॉल्यूट्स की हमारी बॉडी में, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सारी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है ये आपके पास
इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये पढ़ते रहेंगे. नर्व इम्पल्स कैल्शियम कैसे स्ट्रेंथन करती है और मसल कंट्रेक्शन में इसका क्या काम है, और को फैक्टर्स मैनी एंजाइम्स, यानी ये आपके पास ऐसे को फैक्टर्स हैं जिंक और कॉपर जो कि एज अ को फैक्टर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और अगर ये नॉर्मल काम करेंगे, अगर ये हमारी बॉडी में नॉर्मली फंक्शन करेंगे और नॉर्मल प्रेजेंट होंगे, तो ऑटोमेटिकली एंजाइम्स नॉर्मली वर्क करेंगे, और एंजाइम्स नॉर्मली वर्क करेंगे तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर होगा, क्योंकि एंजाइम ही हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं. दिस इन दिस डायग्राम here you can see that hypotonic and hypertonic solution आपको show किया गया है, ठीक है. तो ये basic concept है कि what is meant by hypotonic solution and what is meant by hyper. Hypo जो होगा ऐसी environment जहां पर solution या solute की amount जो है वो कम हो, solvent की ज्यादा हो. अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर solute की concentration ज्यादा है, तो इसको हम hypertonic solution कह रहे हैं, ठीक है. यहां पर अगर आप देखें तो ये सेल है, और सेल एक ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ है जहां पर कंडीशन हाइपरटोनिक है. तो हाइपरटोनिक का मतलब है कि यहां पर इसकी जो आउटर साइड एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल जो है सेल से वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे. अब सेकेंड में देखें, ये जो डायग्राम है ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आइसोटोनिक जो है, आइसोटोनिक में ये होगा कि आपके पास आइसोटोनिक कंडीशन वो होती है जिसमें आपके आउटर एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है. अब अगर थर्ड आप देखें तो थर्ड में ये होगा कि बहुत ज्यादा वाटर चले जाने की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेल बर्स्ट कर जाए, तो इसीलिए हमारी बॉडी के सेल्स के लिए ना ही बहुत ज्यादा कम पानी और ना ही बहुत ज्यादा पानी, बल्कि हमें एक नॉर्मल कंडीशंस में आइसोटोनिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारे आरबीसीज नॉर्मली फंक्शन कर सकें, ठीक है. अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को देखें, ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. ऑस्मो रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करना होता है, क्योंकि उनकी आउटर एनवायरनमेंट चाहे जैसी भी है, उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को या इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को कांस्टेंट ही रखना है. सम एनिमल्स लाइक ऑल लैंड एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स हैव बॉडी फ्लूइड्स हुज सॉलिड कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है. तो जब आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, आउटर एनवायरनमेंट वो डिफरेंट है और आपका जो है वो डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को विद इन नैरो लिमिट्स रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए एनर्जी की एक्सपेंडिचर यानी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होगी ताकि वो वाटर के लॉस और गेन को बैलेंस रख सके. अगर पानी ज्यादा है तो उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर सके, अगर पानी कम है तो उसको इनसाइड द सेल मूव करवा सके ताकि डिहाइड्रेशन ना हो. वर्टिब्रेट्स एंड सम एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स स्पेशली फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर्स. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आर द मेरीन ऑर्गेनिजम्स दैट मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट व्हिच इज आइसोटोनिक. तो हमने हमेशा याद रखना है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आराम से पैसिव तरीके से इन एंड आउट मूवमेंट होती है आयंस की भी और सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी, और इसमें ऑर्गेनिज्म को कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं है. ऐसे ऑर्गेनिज्म्स के हम कहते हैं कि उनकी कंडीशन जो है वो आइसोटोनिक है. इसका मतलब ये है कि इन एंड आउट मूवमेंट बिल्कुल इक्वल है, वाटर जो है वो मूव बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, ठीक है. ऐसे ये जो एमसीक्यूज के हवाले से आपके पास इकाइनोडर्म्स के बारे में पूछा जाता है कि इकाइनोडर्म्स जो है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, रेगुलेटरी में आते हैं या कंफॉर्मर्स में आते हैं, और एसिडियंस का भी पूछा जाता है, ठीक है. तो फ्रेश वाटर की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि व्हाट इज फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर एक ऐसी बॉडी है जिसमें हम कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग वाटर हैविंग लो सॉल्ट कंटेंट, और इसमें आइसबर्ग्स आ जाते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी एनवायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक हो आउटर एनवायरमेंट से, यानी फ्रेश वाटर आपको पता है फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, तो इसके ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो हाइपरटोनिक होगी, राइट. इनको मसला स्वेलिंग का हो जाएगा. अब जैसे कि इस डायग्राम से बहुत क्लियर है, रेड एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ आयंस शो कर रहा है और ब्लू एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ वाटर शो कर रहा है, राइट. यहां पर आप देखेंगे कि ऐसे इंडिविजुअल्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या मसला होगा, ये इनको मसला ये होगा कि एक्सेस वाटर को कैसे एक्सक्रीट आउट करें. देखिए आपके पास ये जो फिशेस हैं या ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अगर आउटर साइड एनवायरनमेंट पे आपका फ्रेश वाटर है तो इनको मसला ज्यादा पानी की इनटेक से होगा, तो ये क्या करेंगे,
कि अपनी बॉडी में सॉल्ट्स को कंजर्व कर लेंगे. क्यों? क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट में ऑलरेडी सॉल्ट्स कम हैं, तो ये इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट कर सके. ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं. दीज एनिमल्स डील विद दीज ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम. डाइल्यूटेड यूरिन होगा, ठीक है, कंसेंट्रेटेड कभी भी नहीं होगा. दे डोंट वॉन्ट देयर सॉल्ट्स टू बी एक्सक्रीट आउट. ठीक है, इनकी किडनी जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेगी सॉल्ट्स को. इनके पास एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट actively transport salts from the external dilute medium with the help of special salt cells called ionocytes. ये भी MCQs में आ चुका है. Ionocytes are found on the amphibians skin and gills of the fishes. कहते हैं कि आपके पास ये animals जो हैं ये actively transport करते हैं salt from the external medium with the help of special salt cells. और ये ionocytes कहाँ present हैं? Fish के gills में. तो fish अपने gills से ये salts जो है वो ले लेती है, फिर उसको conserve रखती है. Marine animals वो animals हैं जिनकी salt की concentration जो है वो बाहर outer environment में ज्यादा होती है. इनकी body की condition क्या होगी? Hypertonic होगी. बॉडी की कंडीशन हाइपोटोनिक होगी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा. ठीक है, यानी आपके पास ये एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनकी आउटर एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरीन हम कहते ही सी वाटर को है और सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. पिछली दफा डिटेंशन में आपसे साइक्लोस्टोम्स का पूछा गया था कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं या ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं? ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं क्योंकि ये आइसोटोनिक है. ठीक है, आइसोटोनिक मैंने आपको पहले भी कहा. कन्फर्मर्स, कन्फर्म मीन्स कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है वो बाहर की एनवायरमेंट के मुताबिक है, मुताबिकत रखती है. ठीक है, अब ये रेड एरो जो है वो शो कर रहा है कि ये फिश जो है ये ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रिंक करती है. ठीक है, इसकी बाहर की एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है, अंदर जो है वो हाइपोटोनिक है. तो क्या होगा? वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और ये फिशेस जो हैं इनको खतरा किस चीज से है? इनको खतरा ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट से है. तो इसीलिए ये सॉल्ट से गेट रिड, यानी दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस ऑफ द सॉल्ट. ओके, तो इनका यूरिन जो है वो कंसेंट्रेटेड होगा. राइट, अब यहाँ पर कहते हैं कि ये हर एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि पहले आपके पास आ जाती है कि फ्रेश वाटर फिशेस कैसी हैं, फिर उनको प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर वो एडॉप्ट यानी एडॉप्टेशंस या मॉडिफिकेशंस क्या वो अपनी बॉडी में लेकर आ रही हैं. ठीक है, तो ऐसी कौन सी एडॉप्टेशंस मॉडिफिकेशंस वो अपनी बॉडी में ला रही हैं ताकि वो अपने बॉडी के जो एनवायरमेंट है उसको कॉन्स्टेंट रख सके, उसको विद इन सर्टन नैरो लिमिट्स रख सके. यहाँ तो सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है वो फिश के गिल्स के थ्रू जो है वो निकल जाएंगे एक्सेस सॉल्ट्स. ठीक है, लेकिन डाइवेलेंट जो है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है ये किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं और ऐसे एनिमल्स को डिहाइड्रेशन का बहुत खतरा होता है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स ना ही बहुत ज्यादा वाटर को एक्सक्रीट कर दें ना ही बहुत ज्यादा इनटेक कर लें. अगर एक्सक्रीट हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इनटेक होगा तो स्वोलन हो जाएगा. तो इस तरह से काइटिनस क्यूटिकल होगा या केराटिनाइज्ड स्किन होगी या फीडर्स होंगे ताकि वाटर जो है वो बाहर ना जा सके. मैमल्स में हमारे पास ये डेजर्ट मैमल्स आर वेरी मच रेजिस्टेंट, मतलब वो इस वाटर को लॉस करने के लिए रेजिस्टेंट हैं, यानी इतनी आसानी से वाटर लॉस नहीं होता वो मैमल्स जो कि डेजर्ट में रह रहे हैं. फसोरियल वो होते हैं जो डिगिंग करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल कैंगरू रेट की दी है, इसकी भी एमसीक्यू आपका आया हुआ है कि एनहाइड्रोबायोसिस क्या है और एनहाइड्रोबायोसिस जो है वो कौन सा एनिमल शो करता है. कैंगरू रैट का कहते हैं कि ये 1 month तक भी पानी ना पिए तो ये सरवाइव कर सकता है. उसकी रीजन ये है कि आपके पास ये जो एनिमल है ये एक ऐसी कंडीशन में रह रहा है जो कि डेजर्ट कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है. ये ज्यादा से ज्यादा अपने फूड में ऐसे सीड्स लेता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो वो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है या ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. तो ये वही वाटर को यूटिलाइज करते हैं, ये पीते नहीं है, बहुत ही कम निग्लेजेबल. ठीक है, न्यूट्रिशनल एडॉप्टेशन इन्होंने क्या अपने आप में मॉडिफिकेशंस या चेंजेस लेकर आए कि ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और बिहेवियरल कैसे होगा कि ये नॉक्टर्नल होंगे, नाइट में ज्यादातर निकलते हैं, डे हीट को अवॉइड करते हैं ताकि स्वेट्स के फॉर्म में कहीं वाटर निकल ना जाए. ठीक है, ये कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपनी फिजिकल क्लास में. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. अल्लाह हाफिज़.